के करने वाले आसन के अभ्यास को हम वज्रासन में बैठ करके प्रारंभ करेंगे। तो आइए दोनों पैरों को पीछे की तरफ मोड़ते हैं और बैठ गए इसी पर। इसमें आगे दोनों घुटना को सटा लेते हैं और पीछे एड़ी को फैला देते हैं और उसी पर बैठ जाते हैं। एड़ी को उठा के नहीं रखना है, बहुत अच्छा, जैसे बालक बैठा है सब इनके जैसा बैठ जाइए। अब ये वज्रासन हो गया। कौन सा आसन है ये? वज्रासन। तो वज्रासन भोजन करने के बाद, दुनिया में यही एक आसन है जो भोजन करने के बाद किया जाता है। कौन सा आसन? वज्रासन। और वज्रासन के अभ्यास करने से हमें कभी जीवन में गैस कब्ज नहीं होगा और उधर संबंधी बीमारी तो ठीक हो गई होंगे, कभी भी शौच संबंधी समस्या भी, यानी मलासे संबंधी समस्या, आंत संबंधी समस्या भी कभी नहीं होगा आपको। और जीवन में यदि आप थकान में रहते हैं, जैसे दिन भर काम किए, मिजाज थक गया, चूर चूर है एकदम, आकर के इसी वज्रासन में बैठिए 5 मिनट, तो आपका ना दर्द धीरे धीरे निकल जाता है। ऐसा चचा जी अनुभव किएंगे नहीं आप लोग? तो जब भोजन करेगा तब हाँ, जब भोजन करेंगे तो भोजन के बाद ऐसे बैठ जाना है। अब ये हो गया वज्रासन। तो हाँ भाई, हमने वज्रासन की महिमा बता रहे थे, अब इसी वज्रासन में मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। कौन से आसन का? मंडूक आसन। मंडूक आसन, मंडूक मतलब होता है मेढक। क्या होता है? मेढक। और हम लोग भोजपुरी भाषा में बेंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंग। तो मेढक से लिया गया यह आसन है मंडूक आसन। तो मंडूक आसन का जैसे ही अभ्यास हम करेंगे, तो जिसको शुगर की बीमारी है, मधुमेह की, चिनिया रोग, वो तो ठीक हो जाएगा बिल्कुल। और जो चाहते हैं कि जीवन में हमें कभी शुगर नहीं हो, तो उनके लिए भी जबरदस्त अभ्यास है। तो आइए दोनों हाथ को हल्का ऊपर उठाएंगे, अंगूठे को अंदर ले जाएंगे और चारों अंगुली को ऊपर से रख लेंगे। अंगूठी बन गया। अभी जो अंगूठा का जो इलाका है ना, अंगूठा वाला, ये वाला पोर्शन, ये दोनों मुट्ठी को नाभि की तरफ मोड़ करके ऐसे लगाते हैं। बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट अभ्यास करिएगा। ऐसे ऐसे नहीं रखना है, इसको ऐसे रखना है, ठीक। अब सांस को भरिए पूरा। अब सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाना है। सीना घुटने पर टिका हुआ, चूत और नितंब यानी एड़ी पर, केहनी को थोड़ा जमीन की तरफ झुकाते हैं और गर्दन को थोड़ा सा ऊपर उठा करके और भौंवा को देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा गर्दन उठा लीजिए, आगे से गर्दन उठाइए और ऊपर की तरफ देखिए, लास्ट की तरफ। फिर धीरे धीरे सांसों को भरते हुए वापस आ रही है, बैठ जाइए। फिर एक बार कर लीजिए अभ्यास। हेलो, दिल्ली आ गए।